सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। चेहरे पर सादगी, निजी निगाहें, बात में नरमी, मुखातिब कौन कर सकता है तुमको लफ्ज़े कातिल से। कहां गए वो लोग के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दिल मिल गए की रिधिमा यानी शिल्पा आनंद की। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली शिल्पा आनंद का नाम बना 2007 में, जब दर्शकों से उनकी मुलाकात हुई एस डॉक्टर रिधिमा गुप्ता, जो था शो दिल मिल गए में। थी तो रिधिमा एक इंटर्न हो शो में, पर फैंस के दिलों में पूरी तरह से घर कर गई थी। और सबसे हिट थी उनके और अरमान यानी कि करण सिंह ग्रोवर की केमिस्ट्री। दोनों ने टेलीविजन पर लिखी प्यार की नई परिभाषा। दोनों के रोमांटिक मोमेंट्स फैंस के बन गए रिलेशनशिप गोल्स, और अभी भी शो उनकी केमिस्ट्री की वजह से जाना जाता है। जब जब टीवी स्क्रीन्स पर डॉक्टर अरमान और रिधिमा झगड़ते थे, तब तब दर्शक होते थे निराश। वहीं दोनों के प्यार वाले मोमेंट्स में फैंस हो जाते थे दीवाने। 2008 में फैंस को मिली एक बुरी खबर, शिल्पा ने कह दिया दिल मिल गए को अलविदा। शिल्पा का मानना था कि जिंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जाते जाते उनके इंटरव्यूज में उन्होंने कहा, रिधिमा वॉज अ वेरी स्वीट कैरेक्टर एंड विल रिमेन क्लोज टू मी फॉर एवर, बट थिंग्स नीड टू मूव ऑन एंड आई एम श्योरली क्विटिंग दिल मिल गए। माई लास्ट डेट ऑफ शूट वॉज ऑन 20th मे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स भी शेयर किए। आई हैव गॉट मेनी ऑफर्स इन बिग स्क्रीन, बट आई विल नीड एटलीस्ट 1 month फॉर माई सेल्फ बिफोर आई टेक अप माई नेक्स्ट ऑफर। और फैंस का दिल तोड़ने के बाद दी उन्होंने नई उम्मीद शो को लेकर। आई विश द सीरियल ऑल द वेरी बेस्ट, दे हैव अ वेरी स्मार्ट क्रिएटिव यूनिट एंड आई एम श्योर दे विल टेक द ट्रैक इन अ कन्विंसिंग मैनर। ये अलविदा था तो बेहद मुश्किल, बट मेकर्स ने ढूंढना शुरू कर दिया था शिल्पा का रिप्लेसमेंट। बहुत सारे नाम आए सामने, पर आखिर में उनकी जगह ली सुकीर्ति कंडपाल ने। सुकीर्ति को एज रिधिमा ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और फिर 2010 में सुकीर्ति ने भी क्विट कर दिया। उनकी वजह भी थी शिल्पा जैसी ही। वेल टॉक्स आर ऑन अबाउट माई न्यू प्रोजेक्ट्स दैट इंक्लूड अ फिल्म टू, बट आई डोंट वांट टू कमिट ऑन दैट एज इट्स टू अर्ली टू रिवील एनीथिंग। ऑफ लेट आई हैव बीन गेटिंग ऑफर्स फॉर मेनी प्रोजेक्ट्स, लेट अस सी व्हाट हैपेंस, बट माई डिपार्टिंग फ्रॉम द शो इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी फिल्म। द शो वॉज गोइंग नोवेयर एंड आई कुडंट सी अ बेटर फ्यूचर फॉर द शो। In fact, I asked them to relieve me almost a month ago. Though the show gave me the fame that everyone dreams of, but then a person needs to move ahead in life. Jiski wajah se 2010 mein Ridhima bani Jennifer Winget. Yesterday evening was my first day on the shoot, and I cannot tell you that how warm the welcome was. I was flattered. I knew half of the cast already, and especially Karan, because I have worked with him in Kasauti Zindagi Ki. The audience will see a great chemistry between us for sure. Yakeenan yahi hua. Aur fans ke demand ko nazar mein rakhte hue, जून 2010 शिल्पा आनंद की हुई वापसी दिल मिल गए में एज डॉक्टर शिल्पा मल्होत्रा, जो थी डॉक्टर रिधिमा की हाफ सिस्टर। पर एक ही साल में शो की टीआरपी अफेक्ट होने लग गई। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ट्राई किए मेकर्स ने, पर शो के नंबर्स गिरते नजर आए, जिसके बाद दिल मिल गए हो गया ऑफ एयर। वेल, यहाँ कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल मिल गए ने इंडस्ट्री को बहुत ही बड़े बड़े चेहरे दिए हैं। इस शो के बाद तेरी मेरी लव स्टोरीज जैसे एपिसोडिक सीरीज में नजर आई शिल्पा, और जैसे उन्होंने कहा था, उन्होंने एंट्री की बड़े स्क्रीन बॉलीवुड में। 2011 में अलर्ट 24/7 मूवी में एज ए जर्नलिस्ट, और 2013 में इन ब्लडी इश्क, और तो और 2016 में ये है लॉलीपॉप में दिखी हमें। पर अफसोस की बात है कि शिल्पा रिधिमा वाला जादू नहीं कर पाई फैंस के दिलों में। 2015 में आई सबसे शॉकिंग खबर, जब शिल्पा ने अपना नाम चेंज किया, शिल्पा आनंद बन गई ओहाना शिवानंद। शिल्पा के इस नेम चेंज की वजह से उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया, तो ये था उनका जवाब। आई यूज्ड टू फाइंड शिल्पा नेम टू कॉमन एंड ऑलवेज विश टू चेंज इट। आई हैव स्पेशल अफेक्शन फॉर द अल्फाबेट ओ, हेंस आई जीरोड इट ऑन ओहाना। माय ओरिजिनल सरनेम इज शिवानंद, बट आई यूज्ड इट एज आनंद, बट नाउ आई एम बैक टू यूजिंग इट। वहीं जब एक रीसेंट इंटरव्यू में जब ओहाना को उनके कमबैक के लिए पूछा गया, तो ये था उनका रिप्लाई। We live in a strange world. There is something or the other that keeps one busy. I was busy with my personal thing. However, now everything is sorted. I'm planning for a comeback. जब reality show से comeback plan करने के बारे में पूछा गया ओहाना को, तो सुनिए उनकी राय। What are the genres of reality shows that we have right now? Insects are not my domain. I can't even stand next to them. Forget doing tasks with them. So I can't do Fear Factor. Singing is not my forte. Big Boss is a capital no for me. I love watching it, but I can't fight in the show. Also, I don't want to make enemies, which is bound to happen once you are a part of the show. Dancing is something that I can explore. Yes, maybe a dancing show then.
जो भी शो हो, वी आर श्योर फैंस वुड लव टू सी यू बैक ऑन स्क्रीन, क्योंकि इस एक्ट्रेस का किरदार आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, पर अब दर्शक टेलीविजन पर इनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वेल, टेली मसाला की तो यही ख्वाहिश है कि रिधिमा के किरदार से लोगों की धड़कनें तेज करने में कामयाब रही शिल्पा जल्द ही ऑन स्क्रीन वापसी करें।